केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पन्ने का आरोप पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घपले घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ को पटरी पर लाने के लिए ये आरोप पत्र जारी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र से चावल भेजने के बावजूद 15 किलो के बदले 10 किलो अनाज यहाँ भूपेश बघेल सरकार ने दिया। भूपेश बघेल सरकार ने दुबई भेजकर महादेव ऐप में जुआ सट्टा खिलाकर कौशल उन्नयन का काम किया है। और आज के कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभी अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को बधाई देता हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवाल या निशान बना। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 3-3 बार सरकार बनाई, 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी, 2019 में 2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले घोटाले अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। आगामी विधानसभा चुनाव, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था राशन के घोटालों का। कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इम्प्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। और मैं खुद घुमा हूं छत्तीसगढ़ में, गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता करकर आया था। दूसरा चुनाव था, मुझे याद है रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कहकर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोपड़ी में पहुंचाने का काम किया। और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया कोरोना के कालखंड में, 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा, ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाऊ कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। कौशल उन्नयन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेश बघेल ने कौशल उन्नयन को चालू रखा,
मगर किस चीज का? छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग करकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का कौशल छत्तीसगढ़ की जनता को पूछने आया। छत्तीसगढ़ को 77,000 करोड़ रुपया मिला था निवेशन ग्रांट और ग्रांट इन एड का टोटल 10 साल में 77,800 करोड़ था। कितना था जरा जोर से बोलो भैया। और बघेल साहब 2014 से 2023 में 10 साल के 77,800 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 3,02,429 करोड़ चार गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को देने का काम किया। पिछले 3 ही वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों में 1200 बैंक की शाखाएं और 5000 डाकघर खोलने का काम किया है। 2300 मोबाइल टावर नए खोले गए। 3,045 करोड़ की लागत से 2,000 किलोमीटर की नई रोड की योजनाओं का अनावरण नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 9,240 करोड़ रूपये से 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है। रेल में सरकार बनाने का मौका दिया। एक प्रकार से आपने कांग्रेस का टेस्ट भी कर दिया। गुजरात में कहावत है जहर जो होता है ना इसका टेस्ट नहीं करता। और 5 साल के बाद फिर से एक बार निर्णय करना है। मैं आप सभी को बद निवेदन करने आया हूँ, आइए कमल फूल की सरकार बनाइए, लोकाभिमुख सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाइए और छत्तीसगढ़ को